तो मेरी लाइफ की एक और एडवेंचर राइड होने वाली है ये, लगभग 1800-2000 किलोमीटर जितना है। तो आज से ट्राई करेंगे कि जम्मू कश्मीर को है ना अपने पूरा क्रॉस कर ले, मीन्स पंजाब में एटलीस्ट पहुंच जाए, और पंजाब ये बार कश्मीर से कन्याकुमारी राइड करने का K2 के। तो ये है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। जी मैं लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, दोनों जगह सरसों का पेड़ है। जो ये वाला जो नजारा है ना, ये GoPro जस्टिफाई नहीं कर पाएगा मुझे। आज इधर कल, आज उधर से कल इधर से, तो ये तो बहुत लंबी लाइन लगी है। हाँ, ये इसको कल छोड़ेंगे। ये जो ट्रक आपको खड़े हुए दिख रहे हैं ना, इसकी लाइन है ना 5-7-8 किलोमीटर तक पीछे, मतलब 50 की स्पीड लिमिट है। मैं थोड़ा ज्यादा चला रहा हूँ 55 में, और ये भैया तो 80-90 में चला रहे हैं। पहाड़ में लैंडस्लाइड होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए उनको ऐसे कवर करके रखा जाता है। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है यार ये सब चीजें देख के। यार एक तो इतना छोटा सा रोड है, उसमें दो ट्रक वाले एक दूसरे को ओवरटेक करना चाहते हैं। अरे कांड बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। ये भैया तो कार को नागिन की तरह ऐसे 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 पिछले 10 मिनट से कर रहे हैं, क्लच ब्रेक यूज करके ना हाथ दुखने लगे हैं। अरे टनल खत्म नहीं हो रही है। सो मैं 2 दिन से था डल लेक में, आज सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली आज क्या, साधना की फ्लाइट है और मुझे जाना बाइक से अहमदाबाद के लिए। फ्लाइट थी 11 बजे की, 8:30 हमको यहीं हो गए। तो साधना बड़ा ऑटो करके निकल गई आगे, और मैं बाइक लेके अभी पीछे जा रहा हूँ। चलते हैं। मुझे नहीं पता मैं एयरपोर्ट तक पहुंच पाऊंगा क्या नहीं। मैं पिछले 2 दिन से यहीं हूं डल झील में, और अब निकल रहा हूं वापस अहमदाबाद के लिए। जो 8-9 दिन का ट्रिप था वो पूरा हो चुका है, और अब निकलना है वापस अहमदाबाद के लिए। एक्चुअली मेरे साथ साधना नहीं जा रही है अहमदाबाद तक राइड करके, उनका मैंने जो फ्लाइट बुक करा दिया था यहाँ श्रीनगर से ही, तो उनका फ्लाइट अभी 11:15 का, और टाइम हो गया है अभी 8:50। उसमें लिखा रहा था 3 घंटे पहले आपको आना, हम लोग बहुत लेट थे। तो साधना ने ऑटो कर लिया है और निकल गई है और एयरपोर्ट के लिए। मैं पीछे से बाइक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, तो वो हम ये बाइक पे नहीं कर सकते थे। नहीं पता कि मैं कैच कर पाऊँगा कि नहीं ऑटो को, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी भी यहाँ से 21 मिनट दिखा रहा है 11 किलोमीटर। ट्रेन में भी अच्छी तरह काम करता है ना, आज मुझे पता चल गया है। अभी तक मैं साधना का फ़ोन यूज़ कर रहा था, वाईफाई यूज़ कर रहा था, कुछ भी काम होता था, लेकिन आज मेरे पास नहीं है। तो जो बोट वाले भैया थे शिकारा वाले, उनसे मैंने हॉटस्पॉट लेके तुरंत गूगल मैप लगा लिया और फिर चल दिया। तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मुझे आई मीन एक नया एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का। पर अभी भी 7.5 किलोमीटर बाकी है एयरपोर्ट पहुंचने में, 15 मिनट दिखा रहा है, यानी 9:13 तक पहुंच जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। A few moments later. श्रीनगर एयरपोर्ट के पास। चलो भैया मिलते हैं, थैंक यू। हाँ ये भैया ने ना बहुत आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प करी है यार। तो मैं था अभी तक जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे। साधना की फ्लाइट थी, साधना निकल गई थी ऑटो में, मीन सामान ज़्यादा था। तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी बाद में बात करते हैं। कुछ भी हो जाए ना, देश के सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। वो एयरपोर्ट के अगल बगल सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने GoPro वगैरह बंद कर दिया। तो मैं बता रहा था, मैं था अभी तक श्रीनगर एयरपोर्ट के पास, साधना की फ्लाइट थी, हम लेट हो गए थे, सामान बहुत ज़्यादा था, साधना ऑटो करके निकल गई थी, मैं पीछे बाइक लेके गया था। तो मैं चाहता था कि वो एक बार उनको बोर्डिंग पास मिल जाए, फिर मैं निकल जाऊँगा अपनी राइड के लिए। तो फाइनली मुझे अभी फ़ोन आ गया, और जो भैया से मैंने मिलवाया था अभी जाते टाइम, वो भैया ने अपना मोबाइल मुझे दे दिया। उससे मैं बार बार फ़ोन कर रहा था, पूछ रहा था, फिर उस पर जब कॉल बैक आया तब मुझे पता चल गया कि हाँ बोर्डिंग पास मिल चुका है। तो अब मैं निकल रहा हूँ वापस आगे जाने के लिए, आने के लिए। जो मेरी लाइफ की एक और एडवेंचर राइड होने वाली है ये, लगभग 1800-2000 किलोमीटर जितना है, 3-4 दिन लगेंगे। और वो जो भैया थे ना, उनका नाम मैंने नहीं पूछा, उनका कार्ड है मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छा था। उन्होंने पूरा पर्सपेक्टिव मेरा चेंज कर दिया, यानी जैसे हमको मीडिया में दिखाया जाता है कश्मीर के बारे में, लोगों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है यार। हो सकता है मीन्स हो 2-5%, लेकिन अभी तक मुझे जो भी पिछले 7-8 दिन से मैं राइड कर रहा हूँ, जो लोग मिले हैं ना मुझे, यार बहुत बढ़िया है। वो भैया ने मीन्स उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको ओवरटेक किया था जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट के लिए। तो उन्होंने मुझे देखा था कि ये भैया कि जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे हैं। तो जब आगे जाके मैं रुका तो वो मेरे पास है, उन्होंने पूछा कि क्या तकलीफ़ है, मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल दे दिया मुझे, वाईफाई ऑन करके दे दिया, बोले आप कॉल कर लो, आप इंटरनेट यूज़ कर लो, आप पूछ लो। तो उनका फ़ोन ही पिछले लगभग 1-1.5 घंटे से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यार मीन्स बहुत अच्छा लगा, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अगर वो भैया मेरा वीडियो देख रहे हैं ऐसे। उन चैनल का नाम मैंने बता दिया, सब्सक्राइब करा दिया, थैंक यू भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ने मुझे फिर से इनवाइट किया कि आप आइएगा, गुरेज वैली जाएंगे। तो गुरेज वैली ये पर मेरा रह गया है। तो पर अभी टाइम हो गया है 10:17 और मैं निकल चुका हूँ अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद तक एक दिन में कैसे पहुँचेंगे यार, 2000 किलोमीटर बाइक चलानी है। बहुत खुशी हो रही है मुझे यार, बहुत ज़्यादा। तो आज से ट्राई करेंगे कि जम्मू कश्मीर को है ना अपने पूरा क्रॉस कर ले, मीन्स
पंजाब में एटलीस्ट पहुंच जाए। और पंजाब का जो पहला डिस्ट्रिक्ट हमको मिलेगा वो है पठानकोट। तो पठानकोट कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए, जिससे कि हमारे एक तो मोबाइल में नेटवर्क आ जाए और दूसरा वो जगह एक दिन में एक स्टेट क्रॉस करना है, ऐसा भी मैंने सोचा है। चलते हैं यार, मस्त आगे चल के कहीं रुकते, चाय वाय पीते, नाश्ता करते हैं और फिर आपसे ऐसे ही बातें करते रहेंगे। तो सुबह हो गई मामू, मैं आ गया हूँ वापस नेशनल हाईवे पे। ये नेशनल हाईवे नंबर 44, यही हाईवे पे मुझे बहुत देर तक बाइक चलाना है। उसके बाद मुझे मिल जाएगा जो श्रीनगर कन्याकुमारी वाला हाईवे, वो भी बहुत बढ़िया है। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा ड्रीम था ये बार कश्मीर से कन्याकुमारी राइड करने का, K2 के कश्मीर में मैं राइड स्टार्ट करता है शंकराचार्य जी के मंदिर से, वहाँ दर्शन करके और कन्याकुमारी में रामेश्वरम दर्शन करके राइड एंड करना, ऐसा कुछ प्लान था मेरा। लेकिन वो कहते हैं ना, हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है, और जो होता है वो अच्छे के लिए भी होता है। तो वो राइड शायद ये बार मैं नसीब में नहीं लिखी थी K2 के, तो वो शायद फिर कभी करेंगे। यार देखो, जीवन में मौके मिलते रहेंगे, अगर जीवन है मौके भी मिलेंगे। ये बार जो मौका मिल रहा है उसका उपयोग करें। ये बार कश्मीर से अहमदाबाद यार, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। 2000 किलोमीटर की राइड हो जाएगी, 3-4 दिन राइड करेंगे, मस्त यार मज़े करेंगे। बहुत दिनों बाद ऐसे बाइक लेके निकल रहा हूँ तो इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना यार, क्या बताऊँ भैया, क्या कर रहे हो। फ्यूलिंग करा लेते हैं। ये श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे पे अभी तक था मैं, नेशनल हाईवे नंबर 44। थोड़ा सा आगे चला गया था गलती से, लेकिन तुरंत ही मैंने भैया से पूछा, जो हमारे मिस सीआरपीएफ वाले भैया, उनसे उन्होंने बताया कि आप यहाँ से यू टर्न लीजिए, 1 किलोमीटर आगे जाइए, फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न मारिए, सीधा चले जाइए। तो ये है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे, ये मेरा ड्रीम हाईवे, मीन्स इस पर मेरा राइड करना श्रीनगर से कन्याकुमारी तक मेरा ड्रीम था। जैसे हमें बताया, ड्रीम था नहीं, ड्रीम है, और ये ड्रीम हम पूरा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम अहमदाबाद की राइड करेंगे, तो स्पीड में चला रहा हूँ क्योंकि ये हाईवे इतना बढ़िया है ना यार, क्या बताऊँ। और यहाँ पे बिल्कुल आप सामने देखो एकदम माउंटेन्स दिखने लगे, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है जो कश्मीर के, तो इसके पीछे कहीं सोनमर्ग है, गुलमर्ग तो मैं गया था लेकिन ये सोनमर्ग वाला एरिया है। तो यानी बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही है लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा है राइड करने में। और पुलवामा, जो आपने पुलवामा अटैक के बारे में सुना ही होगा, वो उसके जाने के लिए यहाँ से राइट और सीधा रामबन, मुझे रामबन होते हुए, रामबन और जम्मू होते हुए जाना पठानकोट। आर्मी का कॉन्वॉय शायद पास हो रहा है इसलिए सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है सेफ्टी के लिए, और ये बहुत बढ़िया चीज़ भी है। दस मिनट के पश्चात। जरूरी है यार, मैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए ही सैनिक लगे हुए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा सभी को, पुलवामा जो कि यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ऐसे मूविंग कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, इसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हो गए थे। तो ये बहुत ही सही सिक्योरिटी मेजर्स है कि जब भी उनका कॉन्वॉय निकल रहा है तो ट्रैफिक रोक दिया जाए। मुझे हार्डली 5-10 मिनट लगते कॉन्वॉय निकलने में, तो इतना तो हम वेट कर ही सकते हैं हमारे देश के जवान के लिए। ठंडे और पहाड़ है, या मैं लेफ्ट में देखो राइट में देखो, दोनों जगह सरसों का पेड़ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सरसों यहाँ पे, कि जनरली क्या जहाँ नॉर्थ में जहाँ पे मीन ये थोड़ा गर्म और ऐसे प्रदेश रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ या हरियाणा कुछ पग, वहाँ सरसों होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सरसों देख के मुझे थोड़ा अचंभा लग रहा है। काजीगंज यहाँ से 40 किलोमीटर, काजीगंज वही जगह है जहाँ टनल पार करके मैं श्रीनगर के जो ठंडे वाले इलाके में पहुँच गया था, 9.5 किलोमीटर लंबा टनल था वो क्रॉस किया था और हम काजीगंज में पहुँचे थे, वो यहाँ से अभी 40 किलोमीटर आगे है। जगह का नाम है संगम, ये जगह को संगम नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ देखिए आप चारों तरफ क्रिकेट के बैट, स्पोर्ट्स है ना, ये जगह है ना, ये एरिया, ये पूरा हब है क्रिकेट के बैट बनने का। ये देखो मेरे लेफ्ट में दिख रहा होगा आपको, ये सब कटिंग करे हुए रखे हुए हैं, बाद में इसको बैट बनाए जाएंगे। और यहाँ पे भी आ गया स्पोर्ट्स की, मीन्स कंटिन्यूस लगभग 100-200-300 जितनी दुकानें हैं। ज़्यादा टाइम मैंने देखी थी पर मैं रिकॉर्ड नहीं किया था, कुछ सभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया, शायद देवधर के इसके जो पेड़ उगते हैं उसकी लकड़ी से स्पोर्ट्स के बैट बनाए जाते हैं। तो ये पूरा है ना एरिया संगम एरिया कहते हैं, जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है कश्मीर में, वो हब है। देखो ये भी सलंग क्रिकेट के मीन क्रिकेट के बैट की पूरी शॉप से है, लाइन से। भाई कैसे निकला पता नहीं, लटक गया ये भाई, लटक गया है, इसको सही कर लेते हैं। जो ये वाला जो नज़ारा है ना, ये GoPro जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं पता GoPro में दिखेगा अभी कि नहीं। सामने बड़े बड़े स्नो कैप्ड माउंटेन्स है और ये स्ट्रेट रोड जा रहा है, और वो माउंटेन्स के बीच में एक टनल बनी हुई है जो गाजीगंज से 9.5 किलोमीटर लंबी। चाय ब्रेक। आपको
बाई वन, आज इधर कल, आज उधर से कल इधर से, तो ये तो बहुत लंबी लाइन लगी है। हाँ ये इसको कल छोड़ेंगे इन लोगों को, कल जाने। तो इसलिए जब मैं लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे 9 किलोमीटर में ना सामने से आने वाला एक भी नहीं मिला था कोई। आज आपको सामने उधर से बहुत ट्रकें मिलेंगी जो आते समय, बहुत मिलेंगी। चलिए अंकल जी, तो अंकल का नेचर है ना बहुत बढ़िया था, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया जगह के बारे में। उन्होंने बताया कि आप थोड़ा भी जैसे मई जून आ रहा है, थोड़ी गर्मी है कि तब आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ के गुरेज वैली जाना जाने का बहुत मन था, वहाँ भी 15-15 फीट बर्फ़ है, तो वो बोले वहाँ मई जून में आप विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कोशिश करेंगे कभी ऐसे गर्मियों के टाइम पर आना मिला तो। वो एरिया कैसा है कि बीच में नदी है, इधर भारत उधर POK, तो मीन्स बहुत परफेक्ट जगह है। कोशिश करेंगे कभी वहाँ जाने की। ये जो ट्रक आपको खड़े हुए दिख रहे हैं ना, इसकी लाइन है ना 5-7-8 किलोमीटर तक पीछे है। तो जहाँ पे मैं भी होटल में रुका था खाने के लिए, वो अंकल जी ने बताया कि ये जो आगे टनल मिलेगी मुझे जवाहर टनल, वहाँ पे अल्टरनेट डे पे अलाउ करते हैं, मीन्स एक दिन सामने वाले ट्रक को अलाउ करेंगे और एक दिन यहाँ वाले ट्रक वाले को अलाउ करेंगे, जिससे कि ट्रैफिक ना के बराबर होता है। और जो टनल का नाम है चेनानी नेसरी, नासरी लिखा है यहाँ, और टनल का नाम है नासरी, चेनानी नासरी टनल। और यही टनल को है ना कश्मीर का गेटवे कहा जाता है। जैसे यहाँ पे टनल क्रॉस कर रहे हो, सीधे आप कश्मीर में एंटर हो जाओगे। तो ये रही वो टनल, 9.5 किलोमीटर लंबी टनल चेनानी नासरी, स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम जा रहे हैं चेनानी नेशनल टनल में, जिसे बनिहाल काजीगंज टनल भी कहा जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 44। अब हमारी जो फॉग लाइट चालू करेंगे, फॉग लाइट की ऐसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी टनल में काफ़ी अच्छी लाइट है। यार पता नहीं ये टनल है ना मेरी फेवरेट टनल बन गई यार, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये टनल, क्योंकि एकदम मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, वो ये टनल बता देगी कि हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। कि जगह जगह यहाँ पे जो एयर सर्कुलेशन के लिए भी इवेंट लगे हुए हैं, और आप दिखा सकते हैं जगह जगह के, अगर आपको एग्जिट करना है इमरजेंसी में वो भी लगा हुआ है, स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ है 50, हम थोड़ा सा तेज थोड़ा कम कर लेते हैं। वाह वाह वाह, टनल इतना खाली है ना कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड लिमिट है ना वो मेंटेन नहीं हो रही है मेरे से, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रही है भाई। और ये टनल है ना, इसे ही कश्मीर का गेटवे कहते हैं, मीन जैसे ही आप टनल क्रॉस करोगे, मैं अभी जा रहा हूँ जम्मू की तरफ, जम्मू से जब आप आओगे कश्मीर की तरफ तो पूरा आपका एटमॉस्फेयर पूरा चेंज मिलेगा, एकदम ठंडा हो जाता है पूरा, मीन एकदम टेम्परेचर में डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ठंड हो जाएगा। टनल में कहीं रुकना नहीं है आपको, इमरजेंसी नंबर्स भी जगह जगह दिए हुए। मतलब 50 की स्पीड लिमिट है, मैं थोड़ा ज़्यादा चला रहा हूँ 55 में, और ये भैया तो 80-90 में चला रहे हैं, और ये टनल में यार कोई ऐसे ओवरटेक कर रहा है ना पीछे से, तो अचानक से पता नहीं क्यों डर जाता हूँ मैं भाई, डर गया, ट्रक ने मुझे ओवरटेक किया था तो एकदम घबरा गया था मैं, और अभी भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ये टनल पूरी हुई है 9.5 किलोमीटर, वाओ, मीन्स बेस्ट बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का ये 9.5 किलोमीटर। अब देखो पूरा वेदर देख लो आप खुद, पीछे की तरफ है स्नो कैप माउंटेन्स और सामने नॉर्मल पहाड़ एकदम से यार, यानी बर्फ वाले पहाड़ होते नहीं यार अच्छे लगते हैं, सही बता रहा हूँ मैं, और ये भी अच्छे पर बर्फ वाले पहाड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हर अब देखो पूरे गर्मी भी बढ़ गई, धूप बढ़ गई है, बिल्कुल एटमोसफेयर चेंज हो गया, जैसे मैंने टनल क्रॉस की है जम्मू की तरफ, तब मैं एंटर हो गया हूँ अब जम्मू रीजन में, कश्मीर से जम्मू। ओके, तो ये जगह का नाम है बनिहाल, बचपन से पढ़ते आए बनियाल दर्रा, ये दो पार्ट को कनेक्ट करता है जो हम टनल अभी क्रॉस करी, जम्मू के इस रीजन को कश्मीर के रीजन से, ये बनियाल दर्रा है ये कनेक्ट करता है, और जो टनल थी उसका नाम था चेनानी नेसरी टनल, और उसके बगल में अंकल जी बताते थे ओल्ड टनल भी है जवाहर टनल, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं था, गूगल मैप भी नहीं है, तो जो है वही एंजॉय करते हुए एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। यहाँ पे जगह जगह है ना रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, कि 2 लेन 4 लेन कर रहे हैं, जिससे पहाड़ में लैंडस्लाइड होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए उनको ऐसे कवर करके रखा जाता है, जैसे अगर लैंडस्लाइड हो भी रहा है तो किसी जो भी व्हीकल्स जा रहे हैं उनके ऊपर ना हो। तो आते टाइम हमको 2 बार लैंडस्लाइड मिला था, अभी तक भगवान की दया से 1 बार भी नहीं मिला है। आपको दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, इतनी धूल उड़ रही है। जाओ जाओ भैया आप चले जाओ। अरे ऐसे टनल
पूरे जम्मू में ऐसे टनल्स का काम चल रहा है। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है यार ये सब चीज़ें देख के। एक्चुअली ये जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं कि जो टू वे जो ट्रैफिक होता है उन दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग ही रोड बना रहे हैं। जैसे एक रोड नॉर्मल होगा और एक एलिवेटेड रोड होगा, जिससे क्या पहाड़ों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं सिंगल रोड पर जब आमने सामने आ जाते हैं तो वो बहुत कम हो जाएंगे और जो मूवमेंट है ना वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। देखो यहाँ पर जैसे ये ऊपर पहाड़ काटा जा रहा है जेसीबी से, तो ऐसा काट के ऊपर से एक रोड बनाएंगे और एक नीचे से रहेगा जहाँ से मैं जा रहा हूँ। ओवरटेक मत करो भैया, ओवरटेक मत करो यार। एक तो इतना छोटा सा रोड है, उसमें दो ट्रक वाले एक दूसरे को ओवरटेक करना चाहते हैं, और ये ऐसी बड़ी बड़ी वॉल क्यों बनाई गई है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक रोड नीचे रहेगा और एक थोड़ा सा एलिवेटेड ऊपर हाइट पर रहेगा। तो ये जब भी ये कंस्ट्रक्शन काम पूरा होगा ना यार, बहुत ऑसम रोड बनने वाले हैं ये जगह में। भाई भाई आराम से भाई आराम से। ओ हो धूल धूल धूल, हेलमेट के अंदर से भी मुंह में धूल जा रही है, क्या बताऊँ इतनी धूल हो रही है। जैकेट वैकेट सब गंदा हो चुका है, मोबाइल की हालत तो देखो, मैप ही नहीं दिख रहा, ऊपर मिट्टी मिट्टी दिख रही है मुझे मोबाइल के ऊपर। जय श्री महाकाल, जय हो, जय श्री महाकाल, यहाँ लिखा है गाड़ी में। थोड़ा रिलीफ हुआ यार धूल से बाहर निकल के। एक्चुअली क्या रोड छोटे होते हैं और अगल बगल रोड पे पार्क करके चले जाते हैं ना व्हीकल्स, जैसे ये कार रखी है ट्रक रखा है, तो फिर जाम लग जाते लंबे लंबे। चलो निकल गया निकल गया, खुल गया खुल गया खुल गया। और डिस्ट्रिक्ट भी हमारा चेंज हो गया, अभी तक हम थे अनंतनाग में और अब रामबन डिस्ट्रिक्ट आ गया है। टीड़ा होके आ रहा है यार, सलाद देख के वो फाइनल डेस्टिनेशन की याद आ जाती है। एक और टनल आई, एक और टनल। तो अब मुझे टनल मिली है जो पिछली मिली थी, चेन्नई नेस्ले टनल क्वाजीगंड और इसको कनेक्ट करती, नाम भूल गया मैं उन दोनों को, और एक और टनल मिली है। अरे बाप रे, इतना बड़ा खड्डा, भगवान। इसमें तो लाइट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो इसमें तो क्या है कि मैंने अपने हेलोजन चालू कर लिए, एक्स्ट्रा लाइट नीचे लगाई है और पार्किंग लाइट भी दोनों स्टार्ट कर लिए। शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि ये चैनल ये जो टनल है इसका काम अभी चल रहा है, लेकिन इसको ओपन कर दिया गया ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए। टनल में ट्रैफिक यार पहली बार देख रहा हूँ भाई। रोड पे तो बहुत देखा ट्रैफिक, लेकिन टनल में भी ट्रैफिक। और हमारा मोबाइल सर्चिंग फॉर GPS, जैसे ही टनल में एंटर होता है ना सर्चिंग फॉर, मैं ऑफलाइन मैप यूज़ कर रहा हूँ सुबह से भैया से, जब से मैं लगवा लिया था उसके बाद से ही क्लच ब्रेक यूज़ करके ना हाथ दुखने लगे हैं। अरे टनल ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ टनल फाइनली पूरी हुई, ये बोल ट्रैफिक कम हो तो अच्छा, क्योंकि मैं बहुत हैरान हो चुका हूँ ट्रैफिक धूल मिट्टी में। चाय पकोड़े का ब्रेक, और अपने GoPro को नया चार्ज में लगा दिया है। और ये भैया के यहाँ जाते टाइम भी मैंने खाया था सेम, यही चाय बन रही है मेरी। ठीक है, बाय कर दो भैया, बाय। अगले साल मिलेंगे आप। आज का दिन है ना बहुत ही शानदार है। कैसे, जहाँ पहले जहाँ पे रुका था मैं नाश्ता करने के लिए, वो जो टनल के पास, वो भैया भी पैसे लेने से बिल्कुल मना कर रहे थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था अब जाके लिए, और यहाँ जब मैं रुका हूँ अभी, ये हाईवे नेस्ट मिनी में जाते टाइम भी मैं और साधना हम लोग यहीं रुके थे, तो ये भैया भी बोल रहे, अरे भैया आप जा रहे हो इतना दूर राइड कर रहे हो, पैसे मत दो। फिर मैंने उनको समझाया, इंसिस्ट किया और तब जाके पैसे दिए। और एक कांड बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। ये पानी का बोतल मैंने आके ख़रीदा, दो चार घूट पानी पिया और यहाँ पर रख के चला गया था। मैं ला के नाश्ता वास्ता करके फिर पीते हैं, जब तक वापस आया किसी ने पी के खाली करके यहीं वापस रख दिया है। कोई बात नहीं, चलता रहता है। यहाँ का नाश्ता बहुत बढ़िया था। तो यहाँ से आप जो पठानकोट जहाँ मुझे जाना है वो लगभग 180-190 किलोमीटर जितना दूर है, और पहुँचने में 4.5 घंटे लगेंगे। अभी एक बज गया तो शाम को शायद 6 या 7 बजे तक इजीली अपने पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। चलो भाई, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत ज़रूरी था ये ब्रेक लेना, क्योंकि है ना हाथ मेरे बहुत दुखने लगे थे क्लच ब्रेक यूज़ कर करके। अभी मैं वहाँ से निकला ही था जो लास्ट अभी नाश्ता करने के लिए रुका था, और सामने देखो कितना मस्त वाटरफॉल, वाह। हाँ थोड़ा रश ज़्यादा है, नहीं तो मैं यहाँ पे बाइक करके जाता एक बार पास से आपको दिखाता, तो GoPro में शायद दिख ही रहा होगा कि कितना दूर है। नहीं, बहुत ही शानदार सा एक छोटा सा वाटरफॉल है, बढ़िया। लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं, वाह, लोग यहाँ पावरी कर रहे हैं, पावरी। वो शानदार रोड मुझे वापस मिल गए, बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने का। मैं इतने स्मूथ रोड पर राइड करने का जो मज़ा है ना, ऐसा बिल्कुल ऑफ रोडिंग में बिल्कुल भी नहीं है। और ये भैया तो कार को नागिन की तरह ऐसे पिछले 10 मिनट से कर रहे हैं। इनके चक्कर में मैं 2 बार में खड्डे में चला गया, तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। मतलब भैया आप तोड़ाओ,
हम आराम से चलाएंगे। भाई भाई जोरदार कट यार, जोरदार कट। आप मुंबई आ रहे हो? आप मुंबई चलोगे हमारे साथ? रोहित शेट्टी जी ने आपको बुलाया है, आप जो स्टंट कर रहे हो ना कार से, इसके लिए।